नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा का लेक्चर नंबर 92, 92 वाला लेक्चर अपने करने जा रहे हैं। देखिएगा, अभी तक अपने जो चल रहा था पेट्रोमाइजन, तो पेट्रोमाइजन का जो लास्ट टॉपिक है कि पोजीशन ऑफ पेट्रोमाइजन, तो पेट्रोमाइजन जो है उसकी हमें पोजीशन देखनी है, उसके हमें प्रिमिटिव करेक्टर देखने हैं, एडवांस करेक्टर देखने हैं और उसके अलावा स्पेशलाइज करेक्टर्स अपने को क्या इसके देखने हैं। तो क्योंकि जो साइक्लोस्टोमेट प्राणी है, ये साइक्लोस्टोमेटा के अंदर क्या है कि कोर्डेटा के लक्षण जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, और ये जीवित जितने भी कशेरुकी हैं कोर्डेट हैं उनके अंदर सबसे प्रिमिटिव टाइप के कोर्डेट हैं, इन सबसे आदिम प्रकार के कोर्डेट होते हैं जो कि वर्तमान में जीवित अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिएगा कि जो उद्विकासीय है इसका महत्व अधिक है, क्योंकि पहली बात तो इसके अंदर जो करेक्टर्स पाए जाते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि कुछ तो जो कोर्डेट का जहाँ से उद्भव हुआ है तो उस तरह के प्रिमिटिव करेक्टर यहाँ पाए जाते हैं। और यदि जैसे जैसे अपने इसका पूरा डिस्कशन किया था तो हमने देखा कि कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं इसके अंदर जो कि विकसित जो कोर्डेट होते हैं वो करेक्टर इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस कारण से इसका जो स्टडी है वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और साथ में हमने जब इसका एमोशिएट लार्वा जो देखा था, तो एमोशिएट जो लार्वा होता है इसका वो भी अपने आप में बहुत, मतलब ये कह सकते हैं कि इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस रखता है, उद्विकासीय महत्व रखता है, क्योंकि उसके अंदर जो एमोशिएट लार्वा है इसका, उसके अंदर हमने देखा कि एम्फियोक्सिस या ब्रैंकिस्टोमा के करेक्टर्स उसमें अधिक पाए जाते हैं। और पेट्रोमाइज जैसे जैसे वो मेटामॉर्फोसिस करता है तो उसके अंदर अडल्ट एंड पेट्रोमाइज उनके करेक्टर अपने को दिखाई देते हैं। अब देखिएगा कि हम इस कारण से इसका जो पेट्रोमाइजन की जो पोजीशन है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे, पोजीशन ऑफ पेट्रोमाइजेशन, पोजीशन ऑफ पेट्रोमाइजोन। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से वो पेट्रोमाइजोन की जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको लेकर के आने की संभावनाएं कम रहेगी। इसका जो उद्विकासीय महत्व है, इवोल्यूशनरी जो इम्पोर्टेंस है उसको लेकर के इसके क्वेश्चन बनते हैं कि इसके एम्फियोक्सिस से क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, एमोशिएट लार्वा और पेट्रोमाइजोन में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या समानताएं हैं। उसके अलावा इसका जो पेट्रोमाइजोन खुद का जो है क्या पोजिशन है, चाहे वो प्रिमिटिव करेक्टर को लेकर हो, चाहे स्पेशलाइज करेक्टर को लेकर हो, चाहे डिजेनरेटेड जो करेक्टर उनको लेकर के हो। तो इन तीनों करेक्टर को हम देखते हैं तो उससे इसके हमारे चाहे कोर्डेटा का इवोल्यूशन हमें समझ में आ सकता है और स्पेक्ट्रोमाइजोन का जो इवोल्यूशन अपने को समझ में आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ पेट्रोमाइजोन की। तो इसके अंदर सबसे पहले प्रिमिटिव करेक्टर की बात करेंगे हम, प्रिमिटिव करेक्टर्स आदिम लक्षण जो होते हैं उनकी बात करेंगे। आदिम लक्षणों की यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो प्रिमिटिव करेक्टर है वो यही है कि इसमें वास्तविक जबड़ों का अभाव होता है। वास्तविक जबड़े एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। वास्तविक जबड़े क्या होते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं। तो हमने देखा था कि इसके जो पेट्रोमाइजोन का जो मुख होता है उसके चारों मुख चूसक पाए जाते हैं, मुख चूसक के अंदर दंतिकाएं पाई जाती है, हॉर्नी टीथ पाए जाते हैं, इन्फ्रा ओरल टूथ पाए जाते हैं, उसके अलावा सुप्रा ओरल टूथ इसके अंदर पाए जाते हैं, लेटरल टूथ इसके अंदर पाए जाते हैं, परंतु वो जबड़ों के अंदर व्यवस्थित नहीं होते हैं, वो केवल क्या है चूसक के चारों ओर उस पर फैले हुए होते हैं, मुख के चारों ओर फैले हुए होते हैं। तो इसलिए इसके अंदर जबड़े जो है वास्तविक वो नहीं पाए जाते। दूसरा करेक्टर इसके अंदर वास्तविक दांतों का भी अभाव होता है, वास्तविक दांतों का अभाव होता है। वास्तविक दांतों की यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो है हमने देखा कि कहीं भी
दांत होते हैं समदंती, द्विबार दंती, बहुबार दंती, वैसी कोई कंडीशन नहीं है। दांत के अंदर कैसा भी कोई भी कोई कैविटी है, कोई नर्व्स हैं, कोई ब्लड वेसल्स हैं, वो नहीं पाई जाती। केवल होर्नी टीथ्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि पूरे के पूरे इसके जो चूसक होता है उसके ऊपर फैले हुए रहते हैं। उसके अलावा इसके अंदर युग्मित उपांगों की क्या होती है, अभाव होता है। युग्मित उपांगों का अभाव होता है। पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट, अभाव होता है। अब युग्मित उपांगों की यदि हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमने बात की थी, जैसे मछलियों के अंदर पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन पाए जाते हैं, पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन दोनों ही युग्मित पाए जाते हैं। युग्मित का मतलब पेयर यानी जोड़े के रूप में होते हैं, यानी ये जो पेक्टोरल फिन होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं, पेल्विक फिन होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पर केवल और केवल आपने पढ़ा होगा कि मिड डोर्सल फिन पाया जाता है, केवल एक और एक कोडल फिन पाया जाता है, तो वो कहीं युग्म के रूप में नहीं पाए जाते। हाँ, पेट्रोमाइजोन के अंदर जो डोर्सल फिन होते हैं वो फर्स्ट डोर्सल फिन और सेकंड डोर्सल फिन के रूप में होते हैं। फर्स्ट डोर्सल फिन डोर्सल पोजिशन पर आगे की ओर होता है और सेकंड डोर्सल फिन जो है वो फर्स्ट डोर्सल फिन के पीछे होता है, उसके ठीक पीछे क्या होता है, क्वाड्रल फिन होता है, परंतु वो युग्मित नहीं होते हैं। तो युग्मित उपांगों का क्या होता है, इसमें अभाव होता है। आगे क्रेनियम एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है, यानी जो इसका हम कह सकते हैं कि एब्सेंट की बजाय हम कहते हैं इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो क्रेनियम जो कि मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसको मस्तिष्क कोष कहा जाता है हिंदी में, वो इसके अंदर पाया तो जाता है, उपास्थि का बना होता है, अस्थियों का नहीं बना होता, इसलिए क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। और दूसरा जो इसके अंदर है सिर, वो स्पष्ट नहीं होता है इसके अंदर एक्चुअल में, तो नहीं होने के कारण क्या है, इसके अंदर जो है क्रेनियम वो भी क्या है, पाया तो जाता है उपास्थि का बना, परंतु एकदम कम्प्लीटली नहीं होता है। उसके अलावा यदि हम बात करें, इसके अंदर मीडियन नोस्ट्रियल पाया जाता है, एकल मध्य नासा छिद्र पाया जाता है। तो ये हमने देखा था कि इसकी जो डोर्सल पोजीशन होती है वहाँ पर केवल एक मिड डोर्सल पोजीशन पर क्या पाया जाता है, इसमें नासा छिद्र पाया जाता है, जो ऑल्फैक्टरी इसका पोर होता है वो ये केवल एक ही पाया जाता है जो डोर्सल पोजीशन पर होता है। उसके अलावा इसमें एंडोस्टाइल और विलंब पाए जाते हैं, अब देखिएगा एंडोस्टाइल की यदि हम बात करें तो हमने बात की थी कि इसके अंदर जो है जो एंडोस्टाइल है वो फेरिक्स के फर्श भाग पर पाई जाती है, और एंडोस्टाइल की परिभाषा हमने बात की थी, वैसे तो ये अन्य जो उच्च श्रेणी के कशेरुकी होते हैं उनके थायराइड ग्लैंड के समजात अंग होता है। तो एंडोस्टाइल में पाया जाता है, जो मैंने पहले भी बताया था कि इसकी जो फेरिंग्स होती है उस फेरिंग्स के फर्श पर एक ग्रू होती है, ग्रू के अंदर सीलिया लगे होते हैं और साथ में म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, और ये जो सीलिया है ये भोजन जो फेरिंग्स में बिखरा हुआ होता है उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करके ओएसोफेगस की ओर भेजने का काम करते हैं। उसके अलावा विलंब पाई जाती है, विलंब आपको बताया था कि जो फेरिंग्स का जो छिद्र होता है वहाँ पर पाई जाती है, हालांकि विलंब नर जो ये एडल्ट होता है उसके अंदर पूर्णतः विकसित होती है, जबकि जो एमोसेट लार्वा है उसमें थोड़ी सी ये इनकम्प्लीट होती है क्या विलंब। और विलंब जो है वो जो फेरिंग्स का जो भाग होता है, और मैंने बताया था कि जो एडल्ट होता है इसके अंदर जो फेरिंग्स होती है वो एक अंडनाल के रूप में पाई जाती है, या ये कह सकते हैं कि एक बंद नलिका के रूप में पाई जाती है, तो उसका यूँ कह सकते हैं उसके अंदर जल की मात्रा को रोकने के लिए ये विलंब पाया जाता है, क्योंकि साथ में भोजन जो है वो केवल ओएसोफेगस में जाए, फेरिंग्स में ना आ जाए, इसके लिए विलंब क्या होती है, जिम्मेदार होती है, क्योंकि ये रुधिरारी जंतु होता है, तो रुधिरारी जंतु होता है तो भोजन सीधा ओएसोफेगस में जाना चाहिए, उस फेरिंग्स में ना पाए इसके लिए क्या कौन जिम्मेदार होता है, विलंब जिम्मेदार होता है। उसके अलावा अर्नाल सिद्धि होती है, इसमें क्षेत्रों का विशिष्टीकरण नहीं होता है।
आहार नाल सिद्धि होती है होती है, वह इसमें क्षेत्रों का विशिष्टीकरण नहीं होता है। करण नहीं होता है। अब देखिएगा, हमने बात की थी आहारनाल के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। इसके अंदर ओएसोफेगस होता है, सॉरी माउथ, बक्कल कैविटी, ओएसोफेगस, इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस होता है। एनस जो कि इसके अंदर क्लोइकल जो पेपिला होता है वहां पर आकर के खुलता है। तो आहारनाल जो होती है कहीं पर भी ये नहीं है कि इसके अंदर, अच्छा स्टमक यानी अमाशय एबसेंट होता है, ये बता देता हूँ आपको। अमाशय क्या होता है इसके अंदर? एबसेंट होता है। ये मैं थोड़ा साथ लिख देता हूँ इसके, एब्सेंट होता है। अब देखिए अमाशय इसमें होता नहीं है, और जितने भी चाहे ओएसोफेगस हो, चाहे इंटेस्टाइन और रेक्टम हो, ये सारे भाग जो होते हैं वो नलिकाकार होते हैं। इनके व्यास में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो जिसके कारण क्या होती है एक समान अपने को प्रतीत होती है पूरी आहारनाल। ये नहीं है कि हम ये स्पेसिफिक कह सकते हैं कि ये ओएसोफेगस अपने को अलग फुली हुई दिखाई दे रही है या आहारनाल नलिकाकार दिखाई दे रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। ओएसोफेगस से लेकर के अंतिम भाग जो होता है वहाँ तक इसके अंदर क्या है, सीधी होगी आहारनाल पूर्ण होती है, क्योंकि माउथ भी है और एनस भी है। और साथ में क्या होता है कि अलग अलग अपने को जस्टिफाई नहीं होती है, अलग अलग अपने को क्लियर दिखाई नहीं देती कि ये क्षेत्र ये होता है, इसलिए इसका विशिष्टीकरण ज़्यादा नहीं होता है। और स्टोमक जो इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है या नहीं पाया जाता। उसके अलावा मायोटोम्स जो है वो केवल गिल रीजन में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। में ही स्पष्ट होते हैं। अब देखिएगा जो मायोटोम्स हैं, ये आपको बताया होता है कि ये जो मसल्स होते हैं उनको मायोटोम्स कहा जाता है। और जो हमने पढ़ी थी ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर उल्टे वी आकार की होती है, वो इसके अंदर पाई तो जाती हैं मायोटोम्स, उनको और से क्षेत्र में ही स्पष्ट होती है। गिल रीजन यानी जो गिल क्षेत्र होता है यानी जो फेरिंग्स वाला भाग होता है वहीं पर क्या एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और अन्य क्षेत्रों में स्पष्ट अपने को दिखाई नहीं देती है। उसके अलावा यदि बात करें जो मस्तिष्क जो होता है वो छोटा होता है, उसका सेरिबलम भी क्या होता है, अल्प विकसित होता है। अब देखिएगा इसका मस्तिष्क है, क्योंकि हमने बात की थी कि क्रेनियम इसके अंदर अल्प विकसित होता है। तो क्रेनियम अल्प विकसित क्यों होता है, क्योंकि इसका मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, क्योंकि सिर भाग एकदम क्लियर नहीं होता, और सिर में जो मस्तिष्क है वो बहुत अल्प विकसित होने के कारण क्रेनियम भी अल्प विकसित होता है। जो सेरेब्रम जो कि मस्तिष्क का ही भाग होता है वो भी इसके अंदर क्या होता है, अल्प विकसित रूप में पाया जाता है। तो सेरेब्रम इसमें यानी जो पश्च मस्तिष्क का भाग होता है वो इसमें क्या होता है, अल्प विकसित होता है। उसके अलावा हर्ट जो होता है सरल और एस आकार का होता है, हर्ट सरल व एस आकार का होता है। तो ये भी इसकी विशेषता होती है हर्ट की, हर्ट एकदम सरल सिंपल प्रकार का होता है और एस आकार का, एस मतलब इस तरह से सिग्मोइड आकृति का इसके अंदर होता है हर्ट। और हर्ट के अंदर आपको बताया था इसके अंदर क्या, एक आलिंद, एक नील, एक साइनस वेनोसस पाया जाता है। मोस्टली दो चैम्बर युक्त होता है, दो चैम्बर वाला होता है, एक आलिंद और एक नीलिया इसके अंदर पाया जाता है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो दीर्घ परिवहन तंत्र में जो है कोनस आर्टेरियोसिस एवं मूरक निवाहिका का तंत्र क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में कोनस रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है। तो
ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के भाग है कॉनस आर्टेरियोसिस जो कि एक अतिरिक्त चैम्बर होता है वो इसमें क्या होता है एब्सेंट होता है। हालांकि साइनस इसमें पाया जाता है और रीनल पोर्टल सिस्टम जो कि मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर हिपेटिक पोर्टल सिस्टम तो पाया जाता है परंतु वरक निवाहिका उपतंत्र यानी रीनल पोर्टल सिस्टम इसमें क्या होता है पूर्णतया एब्सेंट होता है। उस हिपेटिक पोर्टल सिस्टम हालांकि इसके अंदर क्या है प्रेजेंट होता है। उसके अलावा आंत्र में जो स्पाइरल वाल होते हैं अनुपस्थित या अल्प विकसित होते हैं। आंत्र में स्पाइरल वाल अनुपस्थित या अल्प विकसित होते हैं। अनुपस्थित या क्या होते हैं अल्प विकसित होते हैं। अब देखिएगा स्पाइरल वाल क्या होते हैं ये आपको मैं बताया तो वैसे तो अपने जब आगे स्कोलियोडोन या मछलियों को जब पढ़ेंगे तो वहां पर स्पाइरल वाल को अपने डिस्कशन करेंगे। मछलियों के अंदर क्या होता है कि इस प्रकार से जो आंतरिक अस्त्र होता है वो इस तरह से घुमावदार स्थिति के अंदर होता है। ये बात मैंने शायद पहले आपको बताई भी थी। तो आंतरिक अस्त्र किसका इंटेस्टाइन का। तो इंटेस्टाइन का जो आंतरिक अस्त्र होता है वो घुमावदार स्थिति में होता है स्प्रिंग की भांति होता है तो इसलिए इसको स्पाइरल वाल्व कहते हैं या आंत्र वलन इसको कह सकते हैं या सर्पिल कपाट इसको कह सकते हैं। तो वो बंधक की वजह से इंटेस्टाइन के आंतरिक अस्त्र किस तरह से घुमावदार यानी सर्पिल रूप से होने के कारण। तो इसका फायदा क्या होता है कि जैसे यहाँ से भोजन इधर से आ रहा है और सफेद से तो भोजन एक तो क्या काफ़ी लंबी देर यहाँ पर रुक पाता है। दूसरा क्या होता है कि लंबी देर रुकने से क्या होगा कि जो भोजन का पाचन है वो लंबी देर रुकने से एंजाइमों के द्वारा अच्छी भलीभांति कर दिया जाता है और साथ में जो भोजन का अवशोषण है उसके लिए भी क्या मिल जाता है वक्त मिल जाता है क्योंकि शरीर के अंदर टिफ्लोसोल भी पाए जाते हैं अंतर्वलन जो होते हैं ये भी पाए जाते हैं जो भोजन का अवशोषण करते हैं। तो आंत्र स्पाइरल वाल्व जो होते हैं या तो एब्सेंट होता है या क्या होते हैं पाए गए तो क्या होंगे अल्प विकसित होते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है इसका जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो बहुत कम क्या होता है विकसित होता है। बहुत कम विकसित होता है। क्या होता है बहुत कम विकसित होता है कौन इसका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या होता है इसका एकदम अल्प विकसित होता है। उसके अलावा लेटरल लाइन सिस्टम भी अल्प विकसित होता है। अल्प विकसित होता है लेटरल लाइन सिस्टम क्या होता है जो पार्श्वरेखा तंत्र होता है जो कि जलीय जंतुओं का संवेदी अंग होता है या संवेदी तंत्र होता है जो कि जल के अंदर होने वाली संवेदनाओं को ग्रहण करता है या उसकी सूचना या जो उसके बारे में जंतु को बताता है तो वो इसके अंदर क्या होता है अल्प विकसित होता है। हालांकि मछलियाँ वगैरह उनके अंदर क्या होता है ये अधिक विकसित पाया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर जो है कान में केवल एक अंदर अर्धचंद्राकार नलिका पाई जाती है। कान में केवल एक ही अर्ध सेमिलर ट्यूबुल अर्ध चंद्राकार नलिका पाई जाती है। सेमिलर ट्यूब जो अंतःकरण के भाग होता है अंतःकरण देखिए इसके अंदर पाया जाता है। तो कर्ण या कान में केवल एक क्या है अर्ध चंद्राकार नलिका इसमें पाई जाती है। जैसे मनुष्य के अंदर कितनी होती है तीन होती है तो अपने अंदर तीन होती है इसके अंदर कितनी होती है केवल एक सेमिलर ट्यूबुल्स जो कि इसके अंदर संतुलन बनाने का काम करता है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो उत्सर्जन जो है एमोसेट लार्वा में प्रोटोनेफ्रिन प्रकार के होते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं मीजोनेफ्रिन प्रकार के होते हैं। उत्सर्जी अंगों के रूप में एमोसिएट लार्वा में प्रोटोनेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये प्रोटोनेफ्रॉन पाए जाते हैं और ये करैक्टर किसका होता है ये प्रिमिटिव जो करैक्टर्स हैं या जो हमारे जैसे प्रोटोनेफ्रॉन से यदि हम बात करें हमने प्लेटियल मिथिस वगैरह जैसे जंतुओं में बात की थी तो उनके अंदर ये क्या है प्रोटोनेफ्रॉन प्रकार के होते हैं जो फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोश उस तरह के इसके अंदर क्या है उत्सर्जन पाए जाने के कारण एमोसिएट लार्वा में क्या होते हैं
जो है प्रोटोनेफ्रस प्रकार के होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो है जनन वाहिनियाँ जो होती हैं वो क्या होती है एब्सेंट होती हैं। गोनोडक्ट एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है। अब हमने ये बात भी डिस्कस की थी इसके अंदर जो है जनन पाए जाते हैं केवल एक नर के अंदर वर्षण होता है, मादा के अंदर क्या होता है एक अंडाशय होता है। नर के अंदर कोई भी जनन वाहिनी नहीं पाई जाती, मादा के अंदर भी कोई जनन वाहिनी नहीं पाई जाती, बल्कि क्या होते हैं कि जब जनन काल आता है तो जननांगों का आकार बड़ा हो जाता है जिसके कारण ये उदर गुहा को अधिकतर उदर गुहा को या एब्डोमिनल कैविटी को घेर देते हैं। उसके बाद में आपको बताया था कि इनके अंदर जो सीधे ही शुक्राणु और अंडाणु उनका त्याग कहाँ किया जाता है, सिलोम बॉडी कैविटी के अंदर किया जाता है या सिलोम के अंदर किया जाता है, वहाँ से इनको क्या किया जाता है शरीर से बाहर निकाला जाता है। और इसके अंदर निषेचन जो होता है वो कौन सा होता है बाह्य होता है। तो ये जो अपने करैक्टर देखे हैं ये कौन से प्रिमिटिव करैक्टर्स होते हैं, आदिम लक्षण होते हैं किसके पेट्रोमाइजम के, जिसके आधार पर अपने कह सकते हैं कि जो है ये पेट्रोमाइजम जो है ये कोर्डेट जो के जो आदिम लक्षण है उनको रखता है। और साथ में जैसे जैसे इसका विकास हुआ तो इसके अंदर कुछ एडवांस करेक्टर्स भी आए हैं जिसके, और कुछ करेक्टर्स के अंदर रिड्यूस्ड भी हुए हैं, डिजेनरेट भी हुए हैं, जिसको मैं कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।